हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोहन ब्लॉग्स में। तो सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से प्यारा सा गुड मॉर्निंग। तो मम्मी की तरफ से तो गुड मॉर्निंग हो गया और मेरी भी तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, मम्मी अभी चूल्हा जला रही है क्योंकि चाय बनाना है ना। और चाय देखो हमारा किस पे बनेगा, इसको कहते हैं झूरी। लकड़ी जो पतला पतला होता है उसको बोलते हैं झूरी, और ये है खजूर वाला। तो यही सब दो चार मिला करके चाय बन जाएगा, और फिर खाना बनाने के लिए 10 या 11 बजे फिर से चूल्हा जलाना होगा। कम है, अभी चाय बनेगा, अभी फिर हम लोग नाश्ता करेंगे और फिर से चूल्हा जलेगा। मतलब दो बार नहाएंगे, पूजा करेंगे तब ना। आज मम्मी नहाएगी, पूजा करेगी, क्योंकि आज मंगलवार है ना। आज मंगलवार है। तो दोस्तों, शुरू शुरू में चूल्हा जलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। किरासन तेल बा ना खत्म हो गई, तो किरासन तेल भी थोड़ा सा बचा हुआ है। तो चूल्हा जल चुका है, अब बन जाएगा चाय 5 मिनट के अंदर। और ये जो खजूर वाला देख रहे हो ना, ये जलता रहेगा अभी देर तक। इसमें है चीनी और इधर है हमारा देखो चाय, और इसमें इसमें शायद दूध बना। तो इसमें देखो रात वाला थोड़ा सा दूध बचा हुआ है, तो इसी को मिला के चाय बनेगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से चाय बन रहा है हमारे घर में। ये जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यदि कोई मतलब रिलेटिव आ गए घर में और अचानक आपको 10 मिनट के अंदर चाय बनाना है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन गैस रहने पर सीधा ऑन करो, चढ़ाओ उस पर पानी दे करके, चाय चीनी दे दो, दूध दे दो, हो गया। लेकिन इस पर चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन गाँव के लोग ऐसे ही चूल्हा जलाते हैं और चाय बनाते हैं। खाना पीना हम लोग इसी में बनाते हैं। लेकिन गैस ऑलरेडी घर में है, लेकिन गैस का कोई यूज नहीं होता है, क्योंकि मम्मी को ऑपरेट करना नहीं आता है गैस। और मम्मी बोलती है कि हम चूल्हा में ही ठीक हैं, चूल्हा में ही बनाएंगे। लेकिन चूल्हा में बनेला से कोई हानि बना, मैं सब बर्तन के पीछे काला काला। देखो दोस्तों, यही प्रॉब्लम है चूल्हा में, सारे जो बर्तन है उसके पीछे पीछे काला हो जाता है। आप कितनों भी मिट्टी का लेप दो या कुछ भी दो, वो लगभग 1 महीने के अंदर काला हो ही जाएगा ना। मैं तो ये रहा दूध, अभी इसको देंगे चाय में। थोड़ा सा अदरक दे देते हैं, चाय पीने में टेस्ट लगेगा, खांसी भी इतनी होगा। हाँ, खांसी भी हाँ ठीक हो जाएगा ना, दे देते हैं। तो देखो मम्मी किस तरह से अदरक कूच रही है, और चाय में दे देंगे इसको। हाँ, मस्त लगेगा पीने में ना। तो दोस्तों, मम्मी जब भी कुछ बनाती है तो हम शुरुआती में यहाँ पर बैठे रहते हैं, देखते हैं क्या बना रही है, कैसे बना रही है। मुझे काफी अच्छा लगता है यहाँ पर बैठ करके। और फाइनली हमारा चाय जो है वो रेडी हो चुका है। देखो मम्मी अभी सबको देगी। तो फाइनली हमारा चाय रेडी हो चुका है, आप लोग भी आइए पी लीजिए चाय। मम्मी भी देखो, मम्मी पीती हमेशा कटोरी में और हम पीते हमेशा ग्लास में। कटोरी में पीने का एक बेनिफिट है कि कटोरी में यदि लोगे तो जल्दी ठंडा हो जाएगी ना। मैं तो दोस्तों, मुझे ब्लॉग बनाने के लिए एक लाइट ऑन करना पड़ता है, जो कि देखो हम लोग छोटा सा मिनी इन्वर्टर खरीद के लाए हैं। ये छोटा मोटा सा है, लेकिन इस पे 2 ही 3 बल्ब जला सकते हैं हम लोग। इसको ऑफ कर देते हैं और जब भी ब्लॉग बनाएंगे तो ऑन कर लेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि हमारे घर में हर जगह बल्ब वगैरह नहीं है। तो जहाँ जहाँ लाइट नहीं है और वहाँ मुझे ब्लॉग बनाना है, जैसे कि किचन में, तो मैंने वहाँ पर 3 वाट का बल्ब लगा रखा है और इसके थ्रू से, और वो भी 1 घंटा ही जलेगा, और बाकी लाइट का वेट करते हैं। ऐसे ही मेरा ब्लॉग यह छूट जाता है, तो काफ़ी दिक्कत होता है। खैर, इन्वर्टर अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, फ्यूचर में कभी लेंगे ज़रूर। तो दोस्तों, आज के लिए सॉरी, आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, माथे में दर्द हो रहा है। एक दवाई लाएंगे, खाएंगे। आज मुझे ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, तो कल से हो सकता है लंबे लंबे ब्लॉग्स में बनाऊं। तो आज इतना ही रखते हैं, जो भी 4-5 मिनट का हुआ होगा उसके लिए सॉरी, बट कोई नहीं, आगे लंबे लंबे ब्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हम अपलोड करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।